हाय अभिमान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मैनी ब्लॉग मंडे का डे है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था मनीष जस्ट अभी ऑफिस के लिए निकले थे मनीष के साथ ही मेरा कज़न भी निकल गया था उसने नाइट स्टे करा था संडे को तो मंडे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो भी निकल गया था बेटू भी मॉर्निंग में स्कूल चली गई थी और मेरा सारा जो किचन वगैरह का काम होता है वो सब हो चुका था उसके बाद जब घर खाली हो जाता है तब मैं क्लीनिंग के काम पर लगती हूँ क्योंकि मेरे को सेटिस्फाइंग वाली क्लीनिंग ना तभी लगती है जब सब घर खाली हो जाता है चीज़ों को मैं अरेंज करती हूँ क्योंकि जब सब घर पर होते हैं घर एक ऐसी चीज़ है जो साथ के साथ हम यूज़ करते रहते हैं अभी मैं नीचे इधर से उधर घूमते रहते हैं मैं झाड़ू उठा करके खड़ी हो जाऊँ बीच में तो वो झाड़ू जैसी कोई वाइप ही नहीं आती या फिर मैं बेड क्लीन कर लूँ उसको सेट कर दूँ फिर वो लेटेंगे वो दोबारा से ही मैसी हो जाएगा तो इसलिए जब घर खाली हो जाते हैं ना तब उसको क्लीन करने में ज़्यादा अच्छे से मेरे को मज़ा आता है और मैं मतलब तब थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को तो यहाँ पे फिर मैं अकेली होती हूँ तो फिर सबसे पहले तो मैं चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट करती हूँ बाद में थोड़ा सा झाड़ू लगाती हूँ थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना मनीष के जाने के तो एकदम से झाड़ू उठा करके नहीं खड़ी होती तो थोड़ा सा जो चीज़ें फैली हुई होती हैं जैसे इस रूम वाली उधर पहुँची हुई होती है उधर वाली इधर चल के आ जाती हैं या फिर चार्जर्स वगैरह लगाए हुए होते हैं इन सब चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करने का काम स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले तो मेरे को सोफ़े पर कवर डालना था वही जैसे मैं बताती हूँ ना जो सबसे अच्छा मेरे को लुक लगता है ना सोफ़े का वो विदाउट कवर लगता है तो जब भी कोई आता है मुझे घर अच्छा दिखाना होता है तो मैं सारे कवर्स वग़ैरह हटा देती हूँ सोफ़े के और उसके बाद फिर मैं सोफ़े पे कवर डाल देती हूँ क्योंकि रेगुलर यूज़ होना होता है तो कवर थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को और वैसे भी लाइट शेड का है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है वैसे तो डिनर वगैरह मैं कर जब कोई भी आता है, करते हैं ना तो मैं टेबल पर क्लॉथ वगैरह डाल देती हूँ और कुछ कपड़ा वगैरह बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ सोफ़े के ऊपर भी तो तब मैं डिनर वगैरह यहाँ पे लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी मैंने सोचा था कि थोड़ी सी भी कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हो सके कि मैं यहाँ पे डाइनिंग लगा सकूँ बट कहीं पे भी ना कुछ है नहीं कि मैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकती जैसे आजकल मैंने ऑनलाइन भी देखा है कि एक टेबल ही जैसे वॉल के ऊपर ही अटैच कर देते हैं उसको यूज़ हो तो उसको फोल्ड uh, निकाल लो अदरवाइज़ उसको फ़ोल्ड कर दो वो दोबारा से वॉल में हैंग हो जाता है बट uh, कोई वॉल ही खाली नहीं है <laughs> तो डाइनिंग का तो कुछ नहीं हो नहीं पाता तो सोफ़े ही हमको डिनर डन, डन, वगैरह के लिए या खाने वाने के लिए यूज़ करना होता है जब भी कोई आता है तो इस तरह से बेडशीट वग़ैरह डाल करके मैं काम चला लेती हूँ और फिर अभी फ़िलहाल मैंने बेडशीट इसका सोफ़े का कवर डाल दिया था और सेट कर दिया था उसके बाद ना फिर जो मेरे वो वाले मैंने कवर मंगवाए थे ना पिलो कवर्स मंगवाए थे साटन के वाइट कलर में तो मेरे को तो ये कुछ खास ऐसे वर्थ लगे नहीं आई थिंक टू थर्टी या फोर्टी के बीच में मैंने मंगवाए थे और मतलब दाप कि इसको अगर अंदर लेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो जैसे कि मैं अभी इसके ऊपर एक कवर चढ़ाऊँगी तब तो मुझे ठीक लग रहे हैं अदरवाइज इसका कुछ खास अच्छा तो मुझे रिजल्ट लग नहीं रहा बहुत अच्छा तो मतलब आप डायरेक्टली अगर बेड शीट पर लगाओगे तो उसका कुछ इतना अच्छा उभर करके लुक आता नहीं है ना ही इसमें कुछ जिप दी हुई है ना ही इसमें कोई बटन दी हुए है और अगर आप स्टिच करके उसको बेड पर किसी बेडशीट के साथ मैच करके लगाओगे तो मेरे हिसाब से वो इतना अच्छा लुक तो नहीं आएगा बेड पे क्योंकि स्टिचिंग उतनी भी ज़्यादा अच्छे से नहीं करेंगे ना आप हाथ से करी हुई होगी तो वो रफली होगी वो दिखेगी तो ये डायरेक्ट ऐसे डालने के लिए नहीं है हाँ हाँ आप तो, मतलब एज अ प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो इसको कि कवर नीचे से एक लेयर हो जाए ताकि जो नीचे इसके कवर चढ़ा होते हैं ना वो गंदा ना हो आप ये वाला कवर यूज़ करोगे तो इसको उतार करके आप वॉश करके अगेन डाल सकते हो तो सिर्फ इसी पर्पज़ से मैंने इसको लिया था अदरवाइज ये डायरेक्ट अगर आप कभी सोचो कि ये लेते हैं तो आप इसको डायरेक्ट बेडशीट के साथ मैच करके नहीं बिछा पाओगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है और ये ऐसा झोला झोला सा थैला सा टाइप का बन जाता है तो फिर मैंने उसको जो कवर थे वो मैंने उसके पिल्ल के ऊपर चढ़ा दिए थे और जब बेड के मैचिंग का मैं बिछाऊंगी तो उसके साथ बेड के मैचिंग वाला कवर हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में रात का जो बिस्तर था वो मेरे को सेट करना था दो दो तीन तीन बेडशीट निकाली हुई थी क्योंकि थोड़ी सी ठंड लगने लगती है ना थोड़ी सी रेसी चलता है उसके बाद ठंड लगने लगती है तो सारी बेडशीट को मुझे फ़ोल्ड करके रखना था रात को मनीष को ठंड लग रही थी वो एक बेडशीट और ले आए थे देखो साइड में उसके कवर्स भी पड़े हुए हैं तो मॉर्निंग में वो सारे फिर मेरे को बिस्तर वगैरह फोल्ड करके रखना था मतलब बेड को सेट करना था तो सबसे पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ मैं क्योंकि बेड पे जो सामान पड़ा है वो उठा करके मैं कहीं और रखूँगी तो वो दूसरी जगह मैसी हो जाएगी तो साथ के साथ जहाँ से जहाँ की जो चीज़ होती है ना उसको उसके प्लेस पे रख देती हूँ और हर चीज़ का एक प्लेस होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने घर में हर चीज़ को एक प्लेस दिया हुआ है ना आपका घर कभी भी बिखरा हुआ और अनमैनेजेबल सा नहीं लगेगा और अगर किसी चीज़ की आपके घर में जगह नहीं है तो आपको एक बार उसको ज़रूर से चेक करना चाहिए कि हाँ इसको क्या मेरे ये यूज़ की है अगर नहीं है तो आप उसको इमीडिएट डिस्कार्ड कर सकते हो अदरवाइज़ वो घर को ना ख़राब ही दिखाएगी बहुत ज़्यादा हमको किचन में बर्तन वगैरह इकट्ठे नहीं करने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो अननेसेसरी हम इकट्ठी कर लेते हैं ना वो सब हमारे घर के लुक को ना ख़राब करती हैं डाउन करती हैं तो अब मैं ना थोड़ा सा पहले से मैंने शॉपिंग करनी काफ़ी कम कर दी है पहले मैं क्या करती थी टी शर्ट्स ही लेती थी मैं मोस्टली क्योंकि सबसे कम्फर्टेबल टी शर्ट्स ही रहती हैं और मैं घर पर ही रहती हूँ पूरा दिन तो जो दूसरे ड्रेसेस वगैरह होती हैं ना वो मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं और अभी तो फ़िलहाल ऐसा हो गया कि कहीं हम बाहर डिनर वगैरह पे कभी कभार अगर जाते भी हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि मनीष मतलब मेरे को बहुत टाइमली ऐसे बताते नहीं है कि आज हम शाम को डिनर पे जा रहे हैं कभी भी मूड बनता है चलो आज खाना बाहर खा करके आ जाते हैं तो ऐसा वाला होता है तो फिर उसके लिए ऐसा कुछ स्पेशल तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता है तो पहले मैं टी शर्ट्स वग़ैरह की शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा कर लेती थी कि हाँ टी शर्ट्स हैं और पतली पतली भी हैं तो अभी मैंने शॉपिंग पे काफ़ी कंट्रोल करा है जो क्लॉथ्स वग़ैरह हैं उनकी शॉपिंग मैं बहुत कम करती हूँ अभी मनीष थाईलैंड से जो ड्रेसेस वगैरह लेकर के आ गए थे वो लेकर आए थे अदरवाइज जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने एक भी सिंगल कोई भी क्लॉथ अपने लिए परचेज नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है और फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएंगी ना चीज़ें तो वो फिर बाहर बिखरी रहेंगी जो एक्स्ट्रा बेड है या तो उसके ऊपर फैली रहेंगी या फिर वो इधर उधर गिरी हुई या टंगी हुई जैसे डोर्स के पीछे हम हैंगिंग वो लगा देते हैं ना और हैंगर्स वगैरह या तो उस पर लटकी हुई मिलेंगी तो वो ओवरऑल ना हमारे घर के लुक को डेंट लगाने का ये काम करती हैं तो घर में कम से कम चीज़ें होनी चाहिए जो यूज़ की हैं और जो यूज़ में नहीं है उनको हमको निकाल देना चाहिए उनकी कोई जगह नहीं होती हमारे घर में उसके बाद फिर साथ के साथ बेडशीट मैंने वॉशिंग के लिए लगा दी थी और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को उस दिन हम मंदिर गए थे ना माला थी तो इस माला से मैंने ऐसा ऑनलाइन देखा था कि जो इसके आ, जो ये फ्लावर्स होते हैं ना ये जब ड्राई हो जाते हैं तो इनके अंदर ना जब आप इसको तोड़ोगे तो ब्लैक ब्लैक जो कलियाँ सी निकलती हैं मतलब वाइट एंड ब्लैक सी तो वो ना इसके आ, क्या बोलते हैं सीड का काम करती हैं एक तरह से अगर आप इसको तोड़ करके ऐसी मिट्टी में डाल दोगे तो ये ग्रो कर जाता है वैसे तो बैक साइड की बालकनी है सबके ए हमारी बालकनी में चलते हैं मतलब जैसे वो सामने वाली बिल्डिंग है ना वो थोड़ी कमर्शियल है तो वहाँ पे दो दो एसी चलते हैं ऊपर वालों का चलता है नीचे वालों का चलता है साइड सब के ए जो है वो बैक साइड में हमारा खुद का भी बैक साइड में है तो वो प्लांट्स ना यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारी हीट जो होती है दोपहर के टाइम एक तो वैसे ही मे मंथ चल रहा है इतनी गर्मी होती है बाहर वैसे ही वेदर की वजह से और दूसरा ये ए वगैरह की जो हीट हो जाती है इसकी वजह से ना पीछे की साइड जो प्लांट्स वगैरह है ना वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा ओपन एरिया होता तो अच्छा रहता बट बैक बालकनी में उतने ज़्यादा प्लांट्स वगैरह सरवाइव करते नहीं हैं बट स्टिल मैंने ऐसे तोड़ करके सारे जो उसके फ्लावर्स के वो कलियाँ सी थी ना मैंने उनको मिट्टी में डाल दिया था अगर वो जर्मिनेट होनी होंगी तो हो जाएंगी नहीं तो वो वैसे भी ऐसे ही पड़ी पड़ा ही था तो प्लांट जो प्लांटर था वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जो करी लीव्स मैंने इसमें लगवाई थी वो सूख ही गई थी वन वीक भी नहीं चल पाया वो वाला प्लांट तो फिर खाली था वो पॉट तो मैंने उसके अंदर ये डाल दिया था ताकि ग्रो होना होगा तो हो जाएगा जैसे अभी आगे मानसून वगैरह आता है ना तो प्लांट्स वगैरह बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं जो डेड हुए हुए होते हैं वो भी काफ़ी खिल से जाते हैं और जैसे ख़राब होने वाले होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं बारिश वगैरह का पानी लगता है ना तो उससे ग्रो कर जाते हैं तो मैंने डाल करके रख दिया कि ग्रो होना होगा तो हो जाएगा नहीं होना होगा तो रिजल्ट मुझे पता ही है वैसे भी कि चांसेस बहुत कम है उसके बाद फिर आ गई थी मैं अंदर क्लीनिंग के काम के लिए मतलब झाड़ू वगैरह आप जो डेली का रूटीन होता है क्लीनिंग का वो मेरे को करना था तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी जो सारा फैला हुआ घर था ना मतलब जितनी चीज़ें जहाँ बिखरी हुई थी चाहे इस बेड पे हो या वो दूसरे वाले बेडरूम में हो वो सारी चीज़ें ना मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं स्टडी टेबल पर जो भी बेटू चीज़ें ऊपर रख देती है वो सब मैंने उसके ड्रॉर्स वगैरह में या जो भी उनका डेडिकेटेड प्लेस था वहाँ सब मैंने डाल दी है तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्लीनिंग करने में फ़टाफट से पूरे घर में झाड़ू घुमाऊँगी और उसके बाद डस्टिंग करते ही डस्टिंग भी डेली होती है तो डस्टिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है साथ के साथ हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हुआ ही नहीं होता चीजों को ना जैसे क्लीन होती हुई चीज़ों को क्लीन रखोगे ना तो वो टाइम कम लेंगी और वो क्लीन ही रहेंगी लाइफ टाइम उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी वो ऑलवेज़ न्यू जैसी रहेंगी लेकिन गंदी चीज़ों को क्लीन करोगे तो वो चीज़ें खराब भी होंगी मशीनरी या तो वो वैसे ही डस्ट की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती है डैमेज हो जाती हैं चीज़ें और वो नई भी नहीं रहती पुरानी सी हो जाती हैं तो बेटर होता है क्लीन चीज़ों को ही साथ के साथ क्लीन करते रहो तो वो मेनटेन रहती हैं तो फटाफट पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी उसके बाद ये शोकेश वगैरह है ना जिसको मैं क्लीन कर रही थी वही कुछ कुछ दिन के गैप में मैं सारी चीज़ों को डस्ट ऑफ करती रहती हूँ जैसे काफ़ी ऊपर वाली चीज़ें होती हैं ना नॉर्मली हम घरों में क्लीनिंग करते हैं जो जो नीचे के प्लेसेस होते हैं ना जैसे ये स्टडी टेबल है ये डस्टिंग हो जाती है फ्रिज है ये डस्टिंग हो जाती है बट ये जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं ना जैसे शो होते है, इसमें हैं इसमें सामान वगैरह पड़ा रहता है तो ये मोस्टली ना छूट जाती हैं चीज़ें और यहाँ पे फिर वो जो डस्ट डिपॉजिट होती जाती है फिर वो मतलब चीज़ें खराब आपने जो डेकोर पीसेस भी रखे होते हैं वो भी पुराने पुराने से होने लगते हैं बट मैं इनको साथ के साथ, साथ क्लीन रखती हूँ ताकि ये मेनटेन रहे और जब से ए सी लगाए ना इस वाले शोकेश की लाइट जलनी ही बंद हो गई है क्योंकि वहाँ पर ना कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम था कि वहाँ पर एक ही चीज़ चल सकती थी या तो ऑप्शन उन्होंने दिया था कि या तो ए सी और ये लाइट दोनों साथ साथ चलेंगी कि मतलब जितनी देर ए सी चलेगा तो ये लाइट भी उतनी देर साथ चलेगी ए सी बंद करोगे तो लाइट भी बंद हो जाएगी या फिर हमको सिर्फ लाइट यूज़ करनी है लगा लो विंटर्स का टाइम है मेरे को सिर्फ ये लाइट लाइट यूज करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे को एसी भी साथ चलाना पड़ेगा तो दोनों के लिए ना एक ही कनेक्शन दिया हुआ था तो फिर मैंने वो कनेक्शन जो था वो हटवा दिया था तो अभी शो पीस में जो है वो लाइट नहीं चल रही है अभी जब कभी इलेक्ट्रिशन वगैरह आएगा तो फिर मैं कोई दूसरा ऑप्शन देखूंगी कि यहाँ की जो लाइटिंग है वो कहीं और से कनेक्ट हो पाए और एसी का जो है वो पॉइंट सेपरेट हो पाए तो ए को भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था सामान हटा करके ये जो शो पीस है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था एल पैनल वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी बेटू यहाँ पे बैठती है ना तो चीज़ों को जो, जो, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करती है तो समटाइम्स ना ग्लू क्रेयनस सब उसने ना स्टेन वगैरह लगाए होते हैं तो डेली डेली जैसे मैं ये वेट क्लीनिंग करती हूँ या ये स्प्रे से क्लीन करती हूँ या फिर वेट क्लॉथ से क्लीन करती हूँ तो ये डेली के डेली साथ के साथ क्लीन हो जाता है और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लग गई थी डस्टिंग मेरी हो गई थी फटाफट से मैंने पोछा वगैरह लगाया था क्लीनिंग मेरी निपट गई थी उसके बाद वही आफ्टरनून का रूटीन चला था बेटे को स्कूल वगैरह लेकर के आई स्कूल से लेकर के आई थी मैं स्कूल से नहीं मतलब स्टॉप से उसके बाद यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो गया था और मेरे को करनी थी कुकिंग और उस टाइम पर दोपहर को ना थोड़ा सा जैसे टाइम फ्री टाइम था फोर या फोर थर्टी के आसपास तो मैंने ये भिंडी वॉश करके रख दी थी मॉर्निंग में ही रख दी थी वॉश करके तो मैं और कटिंग का काम फिर मैंने उस टाइम कर लिया था थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना भिंडी तो काफ़ी अच्छी बनती है सूखी सूखी सी वरना वो बहुत स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है और भिंडी को ना मैं काफ़ी इजी तरह से बनाती हूँ जैसे ऑयल में जस्ट ड्राई मसाले डाले और भिंडी डाल देती हूँ बट कभी कर, जैसे बेटू को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है रेड वाली चिली मैं यूज़ नहीं करती हूँ ग्रीन वाली मिर्ची मैं यूज़ करती हूँ और तो ना ऐसे मैं उसको स्प्लिट कर लेती हूँ जैसे बीच में ना एक चीरा लगा देती हूँ दो पूरे साबुत मिर्च के और उसको थोड़ा सा ऑयल में ऐसे फ्राई करके उसके बाद भिंडी डाल देती हूँ कि अगर मुझे या मनीष को थोड़ा सा जैसे फीकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती ना तो अगर हमको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो हम थोड़ा सा साथ में इसके खा लें और फ्राई करी हुई मिर्ची ना खाने में भी अच्छी लगती है तो इसलिए मैं दो डाल देती हूँ कि खाई जाएगी तो वैसे खा सकते हैं और फिर बेटू भी ईज़िली खा पाएगी उसको और उसके बाद फिर मेरे को कुछ रिफिलिंग वगैरह करनी थी ये मसाले वगैरह ना थोड़े ख़त्म हो गए थे तो इसके अंदर कंटेनर्स के अंदर से मैं इसमें रिफ़िल कर रही थी और अगर आप भी इस टाइप के कंटेनर्स लेने लेने के लिए सोच रहे हो ना क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस पे भी मिल जाएंगे आपको और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ये जो गोल्डन कलर या ब्लैक कलर की लीड होती है ना जैसे जैम वगैरह की बॉटल पर वो अच्छे से ना उसमें चूड़ी नहीं होती है वो जैसे ऐसे अटकते हैं तो इसको ना मतलब कई बार ना ये इतने टाइट हो जाते हैं कि इसको खोलने के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है किसी की आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है दम लगाना पड़ता है तो मुझे थोड़ा सा इनमें ये प्रॉब्लम लगती है कि इनको ना मतलब बहुत टाइट अपने आप ही जैसे मैं बहुत हल्का सा भी लगा के रखती हूँ ना तो ये थोड़े से टाइट से हो जाते हैं पता नहीं इन्हीं जार्स में ये प्रॉब्लम है या फिर जितने भी इस टाइप के लिड वाले होते हैं उन सब में यही प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास भी इस टाइप का है और आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना ताकि जो भी देख रहा है उसको हेल्प हो सके और उसके बाद फिर कुकिंग वगैरह मैंने कर ली थी आटा वगैरह भी मैंने लगा लिया था इवनिंग की जो कुकिंग थी वो मेरी डन हो गई थी उसके बाद फिर मेरे को मंदिर क्लीन करना था मतलब मंदिर की जो प्लेट वगैरह थी ना बर्तन वगैरह होते हैं वो क्लीन करने थे तो फिर मैम मैंने कहा कि साथ के साथ अभी मैं किचन का ही काम कर रही थी बेटू को वहाँ पे मैंने स्टडीज़ के लिए बैठाया हुआ था उसको बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ और साथ साथ ना अपना काम भी निपटाती रहती हूँ तो पिताम्बरी से मैंने जो मंदिर के बर्तन वगैरह थे वो भी क्लीन कर लिए थे जो पिताम्बरी होती है ना इससे बर्तन तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं लेकिन हैंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो मैंने इसका ऑनलाइन एक सॉल्यूशन देखा था तो अभी ना ये लिक्विड फॉर्म में भी आ रही है तो नेक्स्ट टाइम ये वाला फिनिश हो जाएगा ना पैक तो फिर मैं लिक्विड वाली मंगवाऊँगी ताकि मतलब यार हमारे हाथ भी ऐसे ड्राई से ना हो जाए ना ख़राब से लगने लगते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं वो वाला स्प्रे मंगवाऊँगी जो लिक्विड वाला स्प्रे है लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं ना वो इजी रहती हैं क्लीन रहती है मेंटेन रखती हैं चीज़ों को वरना वो सोप और ये मतलब चीज़ें थोड़ा सा मैसी कर देती हैं और बस यहाँ पे फिर पूजा का जो सब बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने अच्छे से चकाचक क्लीन कर दिए थे एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया था प्लेट और डीए को और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ही पेंड करती हूँ आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलेंगे एक न्यू वीडियो में टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स बाय बाय